यहाँ पे बोला गया फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4R टू स्मॉल डिस्क। अच्छा ये थोड़ा सा आप देखिएगा, ये कैविटी नहीं है 4R का, ये डिस्टेंस बताना चाह रहा है। और मैं बना दे रहा हूं उसका सही फिगर क्या है, एग्जैक्टली जो सही फिगर है वो ऐसा है कि ये पूरी तरीके से डिस्क है। इस डिस्क में दो कैविटी इस तरीके से बनाई गई। कैविटी को हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैविटी को हम नेगेटिव मास की तरह ट्रीट करते हैं। ये बिल्कुल टच होना चाहिए इससे, अगर टच नहीं हो रहा तो फिगर ही गलत हो जाएगा, वो उसका कुछ और ही सेंस निकल जाएगा, वरना आप निकाल नहीं पाओगे उसे। तो इसका रेडियस कितना था, 4R था, और इसका कितना था R/4, और ये कितना R/4 नहीं, जो भी आपका ये 4R था उसका आधा, तो ये R हो जाए, आधा नहीं 1/4 है, तो ये R हो गया। अगर इस पूरे का मास, इस पूरे का मास हम लोग कितना मान लें, कोई भी मास ले लीजिए आप, 16 हम ले लीजिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, इसका रेडियस इससे 4 गुना है, तो मास कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर करेंगे 16 टाइम्स, तो ये इन सबको क्या लेंगे, माइनस एम, और ये माइनस एम। यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पूछे गए हैं, तो कोई एक निकाल लीजिए सिमेट्रिकली, वैसे वाई पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अगर हम यहां से देखें, ये ओरिजिन इस तरीके से हो गया, इसको ओरिजिन ले लीजिए आप 0.0, तो यहां पे निकालना शुरू करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, तो एक्सीएम आएगा हमारा, जो एक्सीएम जाएगा वो आएगा 16m, वो तो ओरिजिन पे ही बैठा हुआ है, प्लस नहीं माइनस m इंटू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4R में से R माइनस कर दीजिए तो 3R हो गया, और माइनस m, ये तो आपका उसी लाइन पे बैठा है x एक्सिस पे, तो इसको जीरो कर दीजिए, डिवाइड बाय मास कितना हो जाएगा 16m माइनस 2m हो जाएगा, दोनों मास नेगेटिव हो गए, सो आंसर इज 3/14 ऐसे आएगा माइनस का। तो एक ही निकाल लेते हैं, अच्छे प्लस नहीं है ये, थोड़ा सा ये गलत है, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो माइनस 3R बाय इस तरीके से, क्योंकि माइनस में क्यों आ रहा है, इधर से आप निकालोगे तो सेंटर मास इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर से निकालेंगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर इज सी, इसका आंसर सी आ रहा है।